चलते मैच में ऐसा क्या हुआ कि कोहली ने दिया गंभीर के हेटर्स को जवाब? ऐसी कौन सी बेबसी थी जिसने मोहम्मद सिराज को एक बैट्समैन से बॉलर बनने पे मजबूर कर दिया? कैसे एक सच्चाई ने इस बात का खुलासा कर दिया कि एमएस धोनी सच में एक अच्छे बैट्समैन थे या फिर ये सारी हवाई बातें थी? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड की वो अनसुनी बातें और वो अनदेखी फुटेजेस जो आपके होश उड़ा देंगी। नंबर 5, देखिए आप में से बहुत लोग इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि मोहम्मद सिराज भी कई क्रिकेटरों की तरह एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। उन्होंने भी अपने समय में बहुत ज्यादा गरीबी को देखा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोहम्मद सिराज असल में एक बॉलर नहीं बल्कि बैट्समैन बनना चाहते थे और लगभग वो बैट्समैन बन भी चुके थे? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंत समय में मोहम्मद सिराज ने अपने आप को एक बैट्समैन से बॉलर बना दिया? तो देखो, जैसा मैंने कहा कि मोहम्मद सिराज एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और हमेशा से उनकी कोशिश यही रहती थी कि कुछ भी करके वो चंद पैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो इसी कोशिश में जब मोहम्मद सिराज को पहली बार एक क्रिकेट क्लब के लिए खेलने का मौका मिला जिसका नाम था चार मीनार क्रिकेट क्लब, तो वहां पे मोहम्मद सिराज एज अ बैट्समैन खेल रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर शुरुआती दौर में हर प्लेयर के साथ होता है कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है तो उसके साथ बॉलिंग भी बीच बीच में आजमा लेता है, लेकिन मोहम्मद सिराज उस मैच में एक प्योर बैट्समैन की तरह खेल रहे थे और एक पार्ट टाइम बॉलर की तरह खेल रहे थे। लेकिन जैसी बैटिंग के बाद मोहम्मद सिराज को एक पार्ट टाइम बॉलर के रूप में बॉल थमाई जाती है तो मोहम्मद सिराज उस मैच में कुछ ऐसा बवाल काटते हैं कि वो उसी मैच में 9 विकेट चटका लेते हैं और फिर मोहम्मद सिराज को उनकी इस खास बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए 500 रुपए के इनाम से नवाजा जाता है, जिसके बाद से मोहम्मद सिराज ये तय कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉलर बनेंगे। अब ऐसा मोहम्मद सिराज इसलिए तय करते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया गरीबी बहुत देखी हुई थी, पैसे की कीमत बहुत थी और ये जो 500 रुपए थे ये उनके जीवन की पहली सैलरी थी। तो मोहम्मद सिराज का मानना था कि जब पहला पैसा उनको गेंदबाजी के लिए मिला है, उनको उनकी पहली सैलरी जीवन की बॉलिंग के लिए मिली है, तो आने वाले वक्त में वो उसी प्रोफेशन को चूज करेंगे, उसी कला को चूज करेंगे जिसने उनको उनका पहला पैसा कमा के दिया है। अगर उस दिन मोहम्मद सिराज के साथ घटना नहीं घटी होती तो शायद मोहम्मद सिराज कभी भी गेंदबाजी करने की सोचते ही नहीं और क्या पता कभी भी भारतीय क्रिकेट को मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर मिलता ही नहीं। नंबर 4, तो आपने भी इस बात को कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस बात को लेके अक्सर डिबेट करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक अच्छे कप्तान थे या फिर वो एक अच्छे बैट्समैन भी थे। अब बहुत लोग जो हैं जो कहते हैं कि वो एक शानदार बैट्समैन थे, उन्होंने थोड़ी नीचे बैटिंग करी इसलिए उनकी बैटिंग पोटेंशियल को उस तरीके से यूज नहीं करा गया जैसे कि यूज किया जा सकता था। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते रहते हैं कि एमएस धोनी थोड़े से ओवररेटेड बैट्समैन हैं, जितनी तारीफ उनकी बैटिंग की असल में करी जाती है वो उतनी तारीफ डिजर्व नहीं करते हैं। तो आओ, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, तुम्हें आज एक ऐसा ट्रुथ बता ही देता हूं, ऐसा सत्य बता ही देता हूं जिसे सुन के तुम्हारी सारी गलत दूर हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्रिकेट के इतिहास में वो कौन सा बैट्समैन है जिसने सबसे कम इनिंग्स खेल के आईसीसी रैंकिंग की टॉप 1 पोजीशन को पा लिया था? तो मैं बताना चाहूंगा कि उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। एमएस धोनी ने ओडीआई क्रिकेट में ये कारनामा मात्र 38 इनिंग में कर दिया था जो अपने आप में आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो एमएस धोनी मात्र 38 इनिंग में पहली पोजीशन पे पहुंच गए थे तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद वो पहली पोजीशन से हट गए थे। इसके बाद एमएस धोनी पूरे 720 दिन तक उसी फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए थे जो अपने आप में फिर से किसी विकेटकीपर बैट्समैन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एमएस धोनी के बाद कोई भी देश का कोई भी विकेटकीपर बैट्समैन ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब कुछ लोग कहेंगे कि एमएस धोनी एक अच्छे बैट्समैन नहीं थे तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना चेकअप कराओ। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही शानदार बैट्समैन थे, बस उनके बैटिंग पोटेंशियल का वैसा यूज नहीं करा गया जैसे कि होना चाहिए था, और कौन है जिसको अब भी ये लगता है कि एमएस धोनी एक ओवररेटेड बैट्समैन थे, वो तो बस उनके बारे में जब बात की जाती है थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के की जाती है। जो भी आपकी राय है एक बार ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा
जा रही टेस्ट सीरीज में जब विराट कोहली ने अपना 76वां शतक जड़ा तो दिन का खेल खत्म होने के बाद जब विराट कोहली से सवाल करा गया कि आपने आज फाइनली 76वां शतक मारा है और आप इतिहास के ऐसे पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में शतक जड़ा हो, तो इसी बारे में आखिर आपका क्या सोचना है कि आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा माइलस्टोन होगा और आने वाले वक्त में क्या कोई भी ऐसा प्लेयर होगा जो अपने 500वें मैच में ये शतक जड़ पाए या फिर वो 500 मैच के अंदर 76 टोटल शतक जड़ पाए। तो इस सवाल का जवाब देते हुए विराट कोहली कहते हैं कि ये सारे तो माइलस्टोन हैं और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आज से लगभग 15-20 साल बाद किसी को ये याद भी नहीं रहेगा कि मैंने 500वें मैच में क्या किया था या मैंने कितने शतक मारे थे। ये सब कुछ वक्त के साथ धुल जाएगा। अगर याद रहेगा तो बस यही याद रहेगा कि मैंने कब कब वो पारियां खेली थी जब असल में मेरी टीम को उसकी जरूरत थी। अब जब से विराट कोहली ने ये बात करी है तो लोग जो असल में कुछ वक्त पहले गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा ट्रॉल कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि यहां पे विराट कोहली जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि वो गौतम गंभीर के बारे में ही बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी उन्होंने बताई कि असल में ये मैटर करता है कि आपने जो रन मारे हो वो कितने इंपॉर्टेंट वक्त पे मारे हो, आपने जो रन मारे हो वो किस तरीके से टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करे हो, तो ये सुनते ही सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो गौतम गंभीर ही है, क्योंकि गौतम गंभीर ने तब तब टीम के लिए स्कोर करा जब इंडियन टीम को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की जरूरत सबसे ज्यादा थी। हां, मैं बात कर रहा हूं 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की और 2011 के ODI वर्ल्ड कप फाइनल की। कौन कौन विराट कोहली की बातों से एग्री करता है, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, तो सभी लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से इंडिया के अंदर वो कौन सा सेलिब्रिटी है जो अगर कोई ऐड कर रहा है तो उसकी जो कन्विंसिंग पावर होती है, यानी कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है, यानी कि उसका जो ट्रस्ट इंडेक्स होता है, यानी कि आसान भाषा में अगर वो सेलिब्रिटी कोई ऐड कर रहा है तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन आने की चांसेस होती हैं, सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट की सेल होने की चांसेस होती हैं, तो आपके हिसाब से आखिर वो सेलिब्रिटी कौन है। मैं यहां पर सिर्फ क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटी की बात कर लें, टॉलीवुड के सेलिब्रिटी की बात कर लें या फिर क्रिकेट के सेलिब्रिटी की बात कर लें, ओवरऑल इंडिया में वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका एडवर्टीजमेंट में ट्रस्ट इंडेक्स सबसे ज्यादा है। खैर, अगर आपके दिमाग में वो नाम नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि उस सेलिब्रिटी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी MS धोनी का ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में जो ट्रस्ट इंडेक्स है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। जबकि MS धोनी को क्रिकेट से रिटायर हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जो उनकी ब्रांड वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। उनसे पीछे शाहरुख खान भी हैं, रणवीर कपूर भी हैं, रणवीर सिंह भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं और विराट कोहली भी हैं। और मैंने जो कहा है ना उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो पीछे करके रिपीट पे सुनिएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि आज के टाइम पे कौन सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा चार्ज करता है या सबसे ज्यादा पैसा कौन लेता है, मैंने ट्रस्ट इंडेक्स की बात करी है। अगर ट्रस्ट इंडेक्स का मतलब आपको मैं नहीं समझा पाया हूं, जो कि मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, तो क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में वो कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने एज एन ओपनर T20 टेस्ट और ODI तीनों में 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स क्वालिफाई होते हैं। पहले हैं मार्टिन गप्टिल, दूसरे हैं डेविड वार्नर और तीसरे हैं नन अदर देन अपने द हिटमैन रोहित शर्मा। क्रिकेट के इतिहास में ये सिर्फ 3 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट, T20 और ODI तीनों ही फॉर्मेट में एज एन ओपनर 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके हिसाब से आने वाले वक्त में भारतीय टीम का वो कौन सा बल्लेबाज होगा जो इस लिस्ट में क्वालिफाई करेगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सारे ही फैक्ट्स में से सबसे कमाल का फैक्ट आपको कौन सा लगा, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से MS धोनी एक एवरेज बैट्समैन थे या फिर वो एक बहुत ही बड़े महान बल्लेबाज बन सकते थे अगर वो थोड़ा सा
ऊपर खेलते, अगर अपना पूरा करियर वो तीसरे या चौथे नंबर पे खेल के निकालते। जो भी इस बारे में आपकी ऑनेस्ट राय है ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रही हैं। थोड़ा सा हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि मल्टीपल चीजें आपको एक ही वीडियो में बता सकें और आपकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकें। तो प्लीज अगर ऐसी वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।